हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है आईएएस टॉस में। अभी तक हमने देख लिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट हमने देखा, फिर हमने देखा पर कैपिटा इनकम का क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में, और भी हमने बहुत कुछ देखा। और उनमें है जीडीपी का डेफिनेशन, जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा ग्रोथ और नेट जीडीपी में क्या फर्क होता है। और फिर हमने जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है ये भी देख लिया। ठीक है, तब हमने पाया था कि जीएनपी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये जीडीपी में से प्लस माइनस क्या कर दो आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इंटरेस्टिंगली पिछले वीडियोस में देख ली है, पिछले 6 वीडियोस में। ये है वीडियो नंबर 7 इस सीरीज का। ठीक है, तो इसको कहेंगे ECO A07। ठीक है, क्योंकि ये मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, जीडीपी से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहा हूँ। सारे इंट्रोडक्टरी जीडीपी से रिलेटेड होंगे वो ए सीरीज में। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ चीजें। जब आप जीडीपी में देखते हो तो ऐसा लिखाता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसा देखा होगा आपने। फिर और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जब न्यूज पेपर आप पढ़ते हो, ध्यान लगा के दिमाग जब लग जाता है आपका, तब आपने देखा होगा फिर लिखा रहता है जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, सीपी। ठीक है, सीपी बोले तो लो, मेरे को पिंक कलर लेने दो, थोड़ा रोमांटिक। ये हो गया कॉन्स्टेंट प्राइस, है ना, कॉन्स्टेंट प्राइस और मार्केट प्राइस, ऐसा लिखा रहता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस हिंदी में बोलते हैं इनको सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सगेहू। ठीक है, फिर आपने देखा होगा एक और लिखा रहता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, लिखा रहता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोले तो फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट, FSETOR फैक्टर कॉस्ट, ऐसा लिखा रहता है। ये तीनों चारों चीजें देखना, जानना जरूरी है। कुछ नहीं है, ये तो हलवा है, हलवा मजाक है, ये तो 2 सेकंड में समझा दूंगा मैं। कॉन्स्टेंट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क जानने से पहले एक चीज जान लो, बेस ईयर। बेस ईयर, ये बेस ईयर डिक्लेयर किया जाता है। अब आप बोलोगे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, देखो भाई सोसाइटी जो है ना, समाज, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ। ठीक है, आज दुनिया जैसी है आज के 5 साल बाद वैसी नहीं रहेगी, आज के 10 साल बाद तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आज के 10 साल पहले सोचो दुनिया कैसी थी, और आज देखो सारे के सारे लोग एकदम इतने इतने से लोग, और आप देखोगे कि इतना बड़ा सा एकदम फोन लेके चल रहे हैं, आज के बात कर रहे हैं ऐसे टिक टिक टिक। अभी आज से 10 साल पहले ऐसा था नहीं था, यानी चीजें चेंज हो गई 10 साल में भयंकर रूप से। आपने टाइपिंग मशीन देखी है, टाइपिंग मशीन खट 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 कर यहाँ उछल उछल के यहाँ लिखाता था ऐसे, हैं वो आजकल कहाँ यूज होती है। हाँ, वो कुछ 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 गांधी विहार और ऐसी जगहों पे आपको इलाहाबाद में मिल जाएगी, जहाँ यूपी में कोई एग्जाम होता है पर्यवेक्षक वगैरह, उसके लिए टाइपिंग सिखाया जाता है, टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये मशीन काम में आती है। मतलब ये सब मार्केट से बाहर हो गई, मैं कह रहा हूँ 10 साल में चीजें बदल जाती है, और जो कंजम्पशन पैटर्न है, लोग क्या किस चीज पे खर्च करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये बदल जाता है। जब ये बदल जाता है तो जो चीजें बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, वो भी तो बदल जाता है, जो चीजें बनती है वो भी बदल जाता है। इसलिए उस हिसाब से काफी बदलाव के बाद 10-12 साल बाद एक, और इस कुछ सालों के बाद एक बेस ईयर डिक्लेयर कर दिया जाता है। बेस ईयर से ये माना जाता है कि चलो सोसाइटी की एक जीरो से शुरुआत हो गई, समाज की जीरो से शुरुआत हो गई, इकोनॉमी की जीरो से शुरुआत हो गई। मान लो बेस ईयर भारत का 2004-5 डिक्लेयर था पहले, और ये मान लो कि 2004-5 में भारत 4 चीजें मनाता था, वही अपनी ABCD, अमरूद, बैंगन, चम्मच और दारू, ये 4 चीजें मनाता था, और क्वांटिटी इसकी एक, क्वांटिटी दो, इसकी इसकी एक, इसकी इसकी एक, मान लो ये क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी और ये चीजें चीजें, तो इसका टोटल टोटल कितना हो गया, मान लो यही सिर्फ पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो जीडीपी कितना हो गया। प्राइस पता रहेगा तब ना, तो प्राइस भी तो मैंने बताया था उस समय, इसका प्राइस मान लो कितना है 10, इसका 10 मान लो, इसका 20 मान लो, और इसका 1000 रुपये, तो ये टोटल क्यू इंटू पी जो होगा, ये 20 × 10 200, और ये कितना हो गया 1220 रुपये, ये हो गई जीडीपी 1220 रुपये। अगर मैंने कहा 2004-5 एक बेस ईयर लिया, सिंपल बेस ईयर लेके आपने क्या किया, बेस ईयर में पूरी चीजें मान लो यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है, ऐसा समझाने के लिए किया है। पूरी लिस्ट देखोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, पूरी जिंदगी खपा हो जाएगी, अगले जन्म में आना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये जीडीपी हो गई 1220 रुपए। प्राइस 2004-5 की प्राइसेस क्या थी,
ये याद रखो कि हर इन चीजों की प्राइसेस ये थी, ठीक है। आज क्या हो गया, मान लो 2015-16 के अंदर यही चीजें बन रही है, लेकिन टाइम के साथ चीजें ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो हमने एबीसीडी का क्वांटिटी ज्यादा बनाना शुरू कर दिया। 10 साल बाद मान लो इसी का क्वांटिटी 2 बना दिया, इसी का क्वांटिटी बी का क्वांटिटी 4 हो गया, सी का क्वांटिटी 5 हो गया और कम हो गया, और डी का क्वांटिटी दारू 3 हो गई मान लो। और टाइम के साथ प्राइस भी तो बढ़ती है, दाम भी तो बढ़ते हैं, ठीक है। और मान लो इसका दाम बढ़ के आज का प्राइस, ये तो हो गया क्वांटिटी, ठीक है, और ये हो गया प्राइस। मान लो यहाँ इस तरफ में प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है। आज मान लो इसकी प्राइस बढ़ के हो गई 20 रुपए, पहले 10 थी 2004 में, मान लो इसकी भी 20 हो गई। इसकी प्राइस सी जो चम्मच है उसकी प्राइस बढ़ के हो गई या कम हो गई, मान लो इसकी 10 हो गई और इसकी प्राइस बढ़ के मान लो 1500 रुपये हो गई दारू की। अभी मान लो सेम चीजें भी बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गई। अब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट आज की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उस दिन की तो कर ली, आज की जीडीपी को 2 प्राइस में कैलकुलेट कर लो। एक तो कॉन्स्टेंट प्राइस, ये लिख दो यहाँ सीपी कॉन्स्टेंट प्राइस, और दूसरी मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस को करंट प्राइस भी बोल सकते हो आप, है ना, करंट प्राइस। देखो भाई, कांस्टेंट प्राइस मतलब प्राइस कांस्टेंट रहती है कोई चीज की। प्राइस कांस्टेंट, अगर एक ही कांस्टेंट प्राइस क्या थी, कांस्टेंट मतलब बेस ईयर की प्राइस, और बेस ईयर की प्राइस है 10, तो आप दो चीजों को 10 से गुणा करके आप ये इधर कांस्टेंट प्राइस निकालोगे तो ये कितने होगी, 10 × 2 = 20, है ना, ये हो गई। फिर ये 10 × आज क्वांटिटी हो गई 40, ये 20 प्राइस थी और क्वांटिटी 5, 20 × 5 100 होता है, और 1000 × 3 3000। ये तो आ गई जीडीपी की वैल्यू कहां से, कांस्टेंट प्राइस से। कांस्टेंट बोले तो बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर बोले तो डिक्लेयर होता है, ठीक है। ये हो गई कांस्टेंट प्राइस, ये कितनी हो गई जीडीपी, ये हो गई 4060 रुपए जीडीपी हो गई सर आपकी। टोटल आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो है उसका विद इन अ टेरिटरी, ये डेफिनेशन था हमारी, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लो इसी कैलकुलेशन को आप मार्केट प्राइस पे करना है, करंट प्राइस पे करना है, दोनों बराबर एक ही होती है, तो इनको आज की प्राइस से कैलकुलेट किया जाएगा। तो 2 × 20 = 40, दूसरा कलर लेता हूँ, क्या क्या लू, पिंक कलर, बड़ा पिंक बाहर आज तो, 40, 20 × 4 = 80 भाई, क्वांटिटी इंटू प्राइस ही तो होगा, 5 × 10 = 50, और 1500 × 3 कितना, 4500, 4500, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ भाई, सिसेट तो कितना हो गया, 4670 रुपए। देखो फर्क, देखो 4060 और 4670, यानी कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी है 4060 और करंट प्राइस या मार्केट प्राइस पे है जीडीपी 4670, ठीक है। यानी अगर दाम बढ़ते हैं और क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो हमेशा कांस्टेंट प्राइस कम रहेगी, किससे, करंट प्राइस से, ठीक है। ये समझ में आया, बड़ा हैप्पी जार्ड सा कर दिया मैंने। चलो अभी लेते हैं ब्रेक, ये वीडियो रखते हैं छोटा। समझ में आया, करंट प्राइस पे जीडीपी और कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी, कांस्टेंट करंट को मार्केट प्राइस भी कहते हैं, मार्केट प्राइस मतलब आज की प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस मतलब दाम, ठीक है। बेस ईयर के दाम पे पूरे जो आउटपुट है, सारे आउटपुट जीडीपी में निकलते हैं, उसका कितना वैल्यू रहा। तो आज जीडीपी, भारत की जीडीपी देखोगे ना आप, पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और पूरे सर्विसेज, इन सब में जो भी वैल्यू होती है, सर्विसेज में बहुत सारी चीजें होती है, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है, उनकी प्राइस आप कॉन्स्टेंट 2004-05 की प्राइस से निकाल दो। अभी बेस ईयर चेंज हो गया, मैं नई सीरीज के बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा, नई सीरीज समझाने के लिए 2004-05 लिया है, ठीक है, 2011-12 हो चुकी है अभी, है ना, नई सीरीज, ये समझ में आएगी ना जिस दिन नई सीरीज, क्योंकि सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रघुराम राजन साहब का भी कमेंट आया था कि अभी वो समझने का कोशिश कर रहे हैं नई सीरीज को अच्छे से, जब वो समझ जाएंगे तो मैं उनको पढ़ लूंगा, क्या क्या समझे वो, वही मैं आपको समझा दूंगा। देखो सिंपल है, बेस ईयर से आपने करंट और कॉन्स्टेंट प्राइस निकाल ली। थैंक यू, अगले वीडियो में बात करूंगा मैं फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, सब्सिडी वगैरह निकाल देंगे उसमें से। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दो, हिट मारो सब्सक्राइब बटन अपने यूट्यूब पे जाके, और फेसबुक पे लाइक करना तो लाइक भी कर दो, ठीक है, facebook.com/IAS.TOSS। ओके, बाय बाय।